फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं बहुत ही ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हाइपर पिगमेंटेशन, स्पेशली अबाउट द माउथ, जो बहुत सारे लोगों को होता है। माउथ एरिया में पूरा ज्यादा बहुत सारा ब्लैकिश हो जाता है, अनइवन सा स्किन टोन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा रेमेडी बताऊंगी जो ये पूरी तरह से सॉल्व आउट करेगा। आपका जो कालापन हो जाता है माउथ एरिया में उसे तो ये क्योर करेगा ही, अगर आप इसे पूरे फेस पे भी, अभी आपके सारे दाग धब्बे ब्लेमिशेस रिमूव होंगे, पिगमेंटेशन रिमूव होगा, ब्लेमिशेस और जो डार्क स्पॉट अनइवन सा स्किन टोन है उसे भी ये पूरी तरह से खत्म करेगा और आपका चेहरा बहुत ज्यादा अच्छा साफ सुथरा और वाइब्रेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स अपर माउथ का जो पिगमेंटेशन होता है उसे रिमूव करने के लिए हम दो स्टेप बनाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए मैं लूंगी हाफ टेबल स्पून के बराबर राइस फ्लावर ऐड किया है, यानी चावल का आटा, हाफ टेबल स्पून के बराबर बेसन ग्राम फ्लोर ऐड किया है, साथ में पिसा हुआ चीनी लिया है मैंने, यानी शक्कर को आपको पीस लेना है पाउडर फॉर्म में, इसे भी मैंने हाफ टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है। साथ में मैं इसमें हाफ लेमन जूस ऐड करूंगी अराउंड 1/4 टेबल स्पून के बराबर। अगर जिनको लेमन सूट नहीं करता है नींबू का रस तो इसमें आप टोमेटो का जूस ऐड कर सकते हैं, बट लेमन में बहुत ही ज़्यादा ऐसा एजेंट होता है जो आपके ब्लेमिशेस दाग धब्बे पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। अब मैं इसमें डालूंगी कर्ड, तो कर्ड यानी दही लेना है। दही हमें इतने क्वांटिटी में डालना है कि एक अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। और फ्रेंड्स ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करेगा, स्क्रबिंग करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, साथ में जो भी टैनिंग है, ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स है उसे ये रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही मैंने इतना ही डाला है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए अराउंड 1 टेबल स्पून के बराबर। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पैक बन चुका है। इसे मैं दो भागों में बांटूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे एक स्क्रबिंग कम पैक है, ये स्क्रबिंग भी करेगा साथ में, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सा पैक है। इसे आप ऑल ओवर द फेस भी लगा सकते हैं, जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा अनइवन सा स्किन टोन है, ब्लेमिशेज है, दाग धब्बे है वहां भी। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ कोई पिगमेंटेशन नहीं है। फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जिस जगह में भी आपके स्पॉट्स है और पिगमेंटेशन है उसे आपको इस तरह से अप्लाई करना है और इसे नाइट में ही अप्लाई करना है। एवरी ऑल्टरनेट डेज अगर आप ट्राई करेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो जितना भी ज्यादा पिगमेंटेशन हो वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। और मेरा जैसे कि आपने देखा है पिगमेंटेशन नहीं है, तो इसे किस तरह से रिमूव करना है वो मैं आपको बताऊंगी, वो भी टोटल डेमो दिखा रही हूँ। तो मान लीजिए आपका जब ये सूख जाता है आफ्टर 10 से 15 मिनट्स इसी तरह से आपको रहने देना है। फिर हल्का सा वाटर लगाते हुए इसको वेट करते हुए आपको मसाज करते हुए इसे निकालना है। ड्राई होने के बाद ही आपको इसे करना है। तो पानी लगाते हुए आपको इसे 2 से 3 मिनट हल्का सा मसाज करना है। इस तरह से ये एक्सफोलिएट करेगा आपके स्किन को। और ये नॉट ओनली माउथ के एरिया में, आप चाहे जहां भी अगर आपको लगे कि आपका स्किन अनइवन सा है, ब्लेमिशेस है, दाग धब्बे, वहां भी आप कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट करना है। 2-3 मिनट करने के बाद आपको इसको नॉर्मल वॉश कर लेना है अपने फेस को। तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इसे पूरी तरह से अच्छे से धो लिया है आप देख सकते हैं, और इसके बाद लेकिन इसी तरह से नहीं छोड़ना, इसका सेकेंड स्टेप भी है जो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकेंड स्टेप, अगर इसे भी आप फॉलो करेंगे तो और भी ज्यादा जल्दी क्योर होगा आपके जो भी ब्लेमिशेस दाग धब्बे पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ, बहुत ही जल्दी क्योर होगा। तो इस तरह से हमें एलोवेरा चाहिए अराउंड 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और साथ में ग्लिसरीन ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स, 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड किया है मैंने। आप इस सीरम को बना के भी रख सकते हैं और इसे कभी भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसमें मैंने ऐड किया है अराउंड 1 टीस्पून के बराबर गुलाब जल और एक विटामिन ई का कैप्सूल मैंने ऐड किया है। तो एवियन 400 आपको कोई भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा, ये मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से कम कॉस्ट में मिल जाता है। और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये सीरम फॉर्म में बिल्कुल बन जाएगा। इसे आप एक्स्ट्रा बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसे नॉट ओनली ऑन योर अफेक्टेड एरिया, आप पूरे फेस पे भी अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्किन ग्लोइंग और शाइनिंग बनता है।
तो इससे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे एक सीरम फॉर्म सा बन जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। इसे हमें ऑल ओवर द फेस लगा सकते हैं या जहां आपने स्क्रबिंग किया है वहां लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेकंड स्टेप है, ये जो सीरम है इसे आप लगा लीजिए जब आप फेस पैक जो मैंने बताया है वो लगाने के बाद। आपको इसे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसे लगाएंगे तो और भी जल्दी क्योर होगा। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव सा सीरम है, इसको आप ऑल ओवर द फेस भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है और आपके स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव करेगा, शाइन आती है इससे आपके चेहरे पे। और नाइट में अप्लाई करेंगे एवरी अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इसे अप्लाई करना है। देखेंगे विद इन वन वीक काफी सारा डिफरेंस आने वाला है, कितना भी ज्यादा पिगमेंटेशन आपके माउथ एरिया में हुआ वो भी रिड्यूस होते जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।